चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का लूनर सरफेस पर सेफ लैंडिंग और घूमने की इंडिया की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने का सेकंड अटेम्प्ट है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को ले जाने वाले चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त 2023 को लूनर साउथ पोल पर 14 दिन के जर्नी के बाद हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग करी और साथ ही इंडिया लूनर सरफेस की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया और रशिया यूएस चाइना के बाद इंडिया चौथा देश बन गया टू लैंड सक्सेसफुली ऑन अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 यानी LVM 3 का यूज करके चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैफ। 24 अगस्त को रोवर प्रज्ञान ने अपना एक्सप्लोरेशन शुरू करी और 30 अगस्त को लीप्स टेक्निक की मदद से ये कन्फर्म हुई कि चांद में सल्फर मौजूद है और इससे ये पता चलेगी कि चांद कैसे बना था। जनरली ये सोचा जाता है कि चांद ज्वालामुखी के कारण बना था। इसके अलावा पेलोड्स LIVS चांद के साउथ पोल पर ऑक्सीजन सहित एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता लगाया है। चांद पर सल्फर मिलने से ये सवाल सामने आता है, क्या सल्फर चांद पर पहले से ही मौजूद था या ज्वालामुखी की वजह से सल्फर पैदा हुआ। वैसे साइंटिस्ट बताते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर पैदा होता है, लेकिन चांद पर ये कैसे पहुंचा, इसका खोज अभी भी जारी है। विक्रम लैंडर के पेट में 26 किलो का रोवर प्रज्ञान को चांद पर ले जाया गया था। अब ये चट्टानों और गड्ढों के चारों ओर घूमेगा और इम्पोर्टेंट डाटा कलेक्ट करेगा और इमेजेस कलेक्ट करेगा और इसे एनालाइज करने के लिए पृथ्वी पर भेजेगा। इसरो के अनुसार रोवर का स्पीड 1 cm/s है। विथ ईच स्टेप ये चांद की सरफेस पर इसरो का लोगो और 6 पैरों पर उभरे पति की छाप भी छोड़ेगा। द थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन एज प्लान्ड बाय द इसरो विल यूज द चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट। इस स्पेसक्राफ्ट को स्टेलर बॉडीज पर सॉफ्ट लैंडिंग में इंडिया की एक्सपर्टीज को शो करने के लिए इसरो द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें सिर्फ एक रोवर और एक लैंडर है और ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के माध्यम से अर्थ के साथ जुड़ेगा। दिस एक्सपेंसिव पर्पस इंक्लूड्स इंटीग्रेशन, कॉग्निशन एंड अ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। इस स्पेसक्राफ्ट को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जियोसिंक्रोनस लॉन्चर GSLV-MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया की इस सक्सेस ने लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए और एक मिशन का प्रयास किया गया। 2024 में जापान के सहयोग से यमुन पर साउथ पोल मिशन चलाया जाएगा। इंडिया एक लैंडर देगा और जापान एक रोवर और रॉकेट देगा। अंतरिक्ष में लॉन्च होते समय चंद्रयान 3 में एक लैंडर और एक रोवर सवार थे। इसमें चंद्रयान 2 जैसा कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। इंडिया लूनर सरफेस को अच्छे से देखना चाहते हैं, खासकर उन हिस्सों को जहां दैट हैव नॉट सीन सनलाइट इन अ फ्यू बिलियन ईयर्स। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार मून सरफेस के इन गहरे क्षेत्रों में बर्फ और रिच मिनरल्स का भंडार हो सकता है। एडिशनली दिस एक्सप्लोरेशन विल ट्राई टू एग्जामिन द एक्सोस्फेयर एंड सब सरफेस एज वेल एज द सरफेस। रोवर प्रज्ञान को लूनर सरफेस पर उतरने के बाद सिर्फ एक दिन का समय मिला था अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। एक लूनर डे करीब 1 महीने जितना होता है, मतलब 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते का रात समझ लो। तो उस हिसाब से 23 अगस्त के बाद सिर्फ 14 दिन का ही समय मिला है रोवर को सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लूनर नाइट्स के लिए नहीं बने।
जब चांद पर रात होता है तो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, -233 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है। तो इतनी ठंड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। इसीलिए इसरो के चीफ के अकॉर्डिंग इसका लैंडिंग चांद पर सूरज निकलने के बाद ही हुआ था। अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो विक्रम लैंडर की वेट है करीब 1570 किलो और रोवर प्रज्ञान की वेट करीब 26 किलो। टोटल 3 मॉड्यूल्स लगा है चंद्रयान 3 में, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रपल्शन मॉड्यूल। प्रपल्शन मॉड्यूल का मकसद है चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकलना और चांद की तरफ भेजना। इस प्रोपल्सन मॉड्यूल की हेल्प से ही ये लैंडर और रोवर पहले चांद की ऑर्बिट में आए और 100 किलोमीटर रेडियस के आने के बाद इसे लैंडिंग के लिए उतारा गया। इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 की जो ऑर्बिटर थी वही काम कर रहा है, तो उसे ही दोबारा से यूज किया गया है। और ये प्रपल्सन मॉड्यूल मून के आसपास 3 से 6 महीने तक चक्कर लगाता रहेगा। ये मून के ऑर्बिट में ही रहेगा और इसे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा और बाकी रीडिंग्स लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोपल्सन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है, स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, इसका शॉर्ट फॉर्म शेप। ये स्पेस में छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट की खोज करेगा। विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान की बात करें तो इसमें भी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, LIBS एंड APXS। LIBS का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसने चांद की मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन एनालाइज किया कि कौन कौन से केमिकल्स चांद में पाए जा सकते हैं। और दूसरा APXS का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों को स्टडी किया। विक्रम लैंडर पर 4 इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। पहला है रामभा, इसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। ये लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद कुछ छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश की और जो गैस रिलीज हुआ उसे एनालाइज किया। दूसरा है चेस्ट, फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर के लिए था, कितना टेम्परेचर है मून के साउथ पोल में, यानी चेस्ट ने मून पर तापमान से जुड़ा डेटा भेजा था। तीसरा है इल्सा, द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये मून पर कितना अर्थक्वेक होता है वो मेजर करने के लिए था। इसे मून के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प मिलेगा। और चौथा है एलआरए, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये लेजर के जरिए धरती से सिग्नल बाउंस करेगा। इसकी मदद से साइंटिस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर पाएगी कि विक्रम लैंडर कहाँ पर लैंड किया है और मून की रेंज क्या है। तो प्रपल्शन मॉड्यूल के इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करके टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगा हुआ है चंद्रयान 3 में। 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग की फेल्योर के बाद 2023 में चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर ने उतरते समय कंट्रोल और कम्युनिकेशन खो दिया था, जिसे लूनर सरफेस पर एक एक्सीडेंट हो गया था और ये मिशन जो है वो फेल हो गया था। चंद्रयान 2 के फेल्योर की सबक चंद्रयान 3 पर अप्लाई किया गया और फेलियर को रोकने के लिए इसके डिजाइन्स पर कुछ चेंजेस लाई, जैसे कि लैंडर के पैरों को मजबूत बनाना, फ्यूल रिजर्व इंक्रीज करना, लैंडिंग साइट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना। 615 मिलियन बजट के साथ चंद्रयान 3 मून के साउदर्न पोल को टारगेट किया, क्योंकि नॉर्दर्न पोल के मुकाबले साउदर्न पोल में ज्यादा शैडोड स्पेस है।
साइंटिस्ट के अनुसार लूनर सरफेस की इस रीजन में पानी की कांस्टेंट सप्लाई हो सकती है। साइंटिस्ट मून की साउदर्न पोल को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है। इनका मानना है कि अर्ली प्लैनेटरी सिस्टम के क्रिप्टिक फॉसिल रिकॉर्ड्स इन कोल ट्रैप्स में मौजूद हो सकती है। लूनर सरफेस पर सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद 4 सितंबर को लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल दिया गया था, क्योंकि चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर का जो मिशन था वो सिर्फ 14 दिन की ही थी। मैंने पहले ही बताया था कि चांद पर 14 दिनों तक ही सूरज निकलता है, यानी कि 14 दिन दिन का वक्त होता है और बाकी जो 14 दिन होता है वो पूरा रात होता है, और रात में चांद की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है। लैंडर विक्रम जब वह उतरा था तब दिन का वक्त था, सनलाइट था। विक्रम और प्रज्ञान दोनों सोलर एनर्जी से ऑपरेट होते हैं। इसका मतलब लूनर सरफेस पर जब दिन रहेगा या सनलाइट रहेगा तभी इसकी सोलर पैनल को बिजली मिल सकेगी। इसका मतलब 4 सितंबर से पहले तक सनलाइट में इन्होंने अपना काम किया। इसरो के अनुसार मून पर टेम्परेचर रात में बहुत गिर जाती है, ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दूसरी चीजों का इतनी ठंड को झेलना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसरो ने मून पर रात की टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए विक्रम और प्रज्ञान को खास तौर से तैयार किया है, इसीलिए उम्मीद ये है कि दिन होने के साथ ही ये दोबारा काम करने लगेगा और इंडिया को कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लूनर सरफेस के साउदर्न पोल से 600 किलोमीटर दूर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट पर सुबह हो चुकी है। 14 से 15 दिनों तक रहने वाली ये सुबह हमारे लिए उम्मीद की सुबह है। अगर सूरज की पर्याप्त रोशनी चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के सोलर पैनल्स पर पड़ी तो वो जाग जाएंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं जाग पाए हैं। और उम्मीद ये है कि विक्रम और प्रज्ञान जाग जाए और दोबारा इसके साथ कांटेक्ट की जा सके, क्योंकि इनको स्लीपिंग मोड में डालने से पहले चंद्रयान 3 की रोवर प्रज्ञान की जो बैटरी थी वो फुल्ली चार्ज्ड थी, लैंडर और रोवर दोनों की रिसीवर भी ऑन था। इसी वजह से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। अगर किसी भी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो विक्रम और प्रज्ञान लूनर सरफेस पर भारत के राजदूत के तौर पर हमेशा मौजूद रहेगा। दोनों ने ही अपना मिशन पहले ही कंप्लीट कर लिया है, और अगर ये जाग जाता है तो ये हमारे लिए बोनस का काम करेगा और ये एक मिराकल होगा। तो गाइस, चंद्रयान 3 के सफलता पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको देखना पसंद है तो इस सीरीज को आप देख सकते हो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपकी एक लाइक मेरे लिए इंस्पिरेशन है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।